कैसी जाए? रैखिक जो समीकरण है उनको युग्म में बदलकर, रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल करना, हल है करना। इस प्रकार से हमने बटा की संख्या दे रखी है, तो बटा की जो संख्या है इनको अपने हल करना है। तो सबसे पहले इसके बटा में भी एक कर दीजिए, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका युग्म में बदलने यानी मान रखना है अलग अलग। जिस प्रकार ये 1/2x है, तो अपने 1/x का मान मैं u रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ, b रख सकता हूँ, c रख सकता हूँ, ठीक है। 1/y का मान v रख दो, तो 1/x का मान u था ना, है? तो u बटा एस के पास कितनी संख्या है? 2, तो यू बटा 2 हो गया। किसका? 1/2x का मान हो गया यू बटा 2, ठीक है। फिर 1/y का मान वी रखा, तो 1/3y का मान हो गया वी बटा 3y, उड़ गई, ठीक, बराबर है 2/3। इन दोनों का लघुत्तम निकालिए, इधर वालों का 3 2 6, 2 का भाग 3 में 3 3u प्लस 2b, यानी 3 का भाग देंगे 2, 2 को 20 से करेंगे 2b, वजन गुणा करने हैं, एक से गुणा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3u प्लस 2b बराबर 6 2 12, समीकरण नंबर 1। अब 1/u 1/x बराबर यू रखा था, तो 1/3x का मान क्या होगा? यू बटा 3। 1/y का मान वी रखा था, तो 1/2y का मान हो जाएगा वी बटे 2 बराबर 13/1, 13/6 13/1। अब इधर वालों का लघुत्तम निकालिए, 6 ये लिखिए 13/6, 3 2 6, 2u प्लस 2 3 6 3v, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करते हो तो 6 से इसको करोगे, 6 से इसको करोगे, दोनों के नीचे 6 6 है, अपने को दोनों को 6 6 से गुणा करना है। इसका मतलब मैं 6 को 6 से काट देता हूं, दोनों बराबर है, काट दिए, नहीं तो नीचे वालों को आप छोटा भी कर सकते हो। अब अपनी समीकरण क्या हो गई? 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब आप रखिए पहले समीकरण, 3u प्लस 2v बराबर 12, समीकरण नंबर 1। 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब कोई संख्या, एक संख्या इनमें से काटनी पड़ेगी, चाहे u को काट दो और चाहे v को काट दो, एक को काटना पड़ेगा। काटने के लिए दोनों संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा और एक प्लस और माइनस की करनी पड़ेगी, प्लस और। यहां देखिए 3 है, 3 को मैं 2 से गुणा करूं, 3 2 6 हो जाएंगे ना, नीचे वाले को मैं 3 से गुणा करूं तो 3 2 6 हो जाएंगे ना, तो ऊपर वाले समीकरण को कितने से गुणा कर दूं? 2 से। नीचे वाले समीकरण को कितने से गुणा कर दूं? 3 से। समझ में आया ना? अब ये 2 से पूरी समीकरण गुणा होगी, 3 को करूंगा 3 2 6u, 2 2 4v और 12 2 24, ये समीकरण नंबर हो गई 3। नीचे वाले को गुणा करूंगा 3 2 6u, 3 3 9v, 13 3 39, समीकरण नंबर हो गई 4। हो गई। अब देखो 6u 6u तो हो गए, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं, कट नहीं रहे, बराबर तो कर दिए अपने, कटते नहीं, तो अपने क्या लिखेंगे? जोड़ने पर तो चिन्ह बदलते आगे लिखेंगे, घटाने पर
घटाने घटाते हैं नीचे वाले पे सारे के चिन्ह, ये देखो किसका था प्लस का, किसका हो गया ये माइनस, ये माइनस हुआ। अब छह यू से छह यू एक प्लस का था माइनस का कट गया, नो भी माइनस का है, चार भी प्लस का है, ज्यादा किसका है माइनस का, कितना बचा पांच भी। और इधर देखिए माइनस का 39 है प्लस का 24 है, नौ में से चार गए पांच, तीन में से दो गए एक, किसके माइनस के ज्यादा है माइनस से, वी पांच वी बराबर पंद्रह, वी बराबर पंद्रह बटे पांच, एक पांच पांच तीन पांच पंद्रह, वी का मान आ गया तीन। ठीक है, अब अपने को U का मान निकालना है, तो अपने उसका मान समीकरण एक में रख लेंगे, समीकरण है एक में रख लेंगे, ये समीकरण एक अपनी ये V का मान समीकरण एक में रखने, समीकरण एक थी अपनी तीन U प्लस दो V बराबर बारह, V का मान आया अपना कितना आया तीन यू प्लस दो, दो वी है तो दो से वी का मान गुणा होगा, दो से वी का मान मैं कोष्ठक लगा दो गुणा तीन लगा लिया बराबर कितने हैं बारह, तीन यू प्लस तीन दूनी छह बराबर कितने हो गए पक्षांतरण है, तीन यू बराबर बारह, ये प्लस के आगे जाएंगे माइनस के, तीन यू बराबर बारह में से छह गए छह, यू बराबर छह बटा तीन, तीन दूनी छह, यू का मान आया दो, यू का मान कितना आया। अब देखिए वी का मान तीन यू का मान दो, यू का मान अब अपने एक बटा एक्स बराबर यू रखा था, एक बटा वाई बराबर वी रखा था, रखा था। अब वापस करो एक बटा एक्स बराबर यू का मान रख दो कितना है दो, बटा में कितना कर दूं वजन गुणा दो को एक्स करेंगे, दो एक्स एक कम एक, एक्स बराबर दो आके भाग लगा देगा कितना आ गया एक बटा। अब एक बटा वाई बराबर वी रखा था, एक बटा वाई बराबर वी का मान कितना है भाई तीन, तो तीन बटा कितने कर दूं वजन गुणा तीन को वाई से करेंगे, तीन वाई एक कम एक वाई बराबर एक बटा तीन, ये आ गया आपका मान।